सो गाइस फाइनली आई एम हियर, मैं आ चुका हूँ लोकेशन पर। बाकी यार मैं सबसे पहले आपको वॉर्न कर दूं कि ये बाइक देखने के बाद ना आपके होश होने वाले हैं, क्योंकि ये है एक हीरो स्प्लेंडर मॉडिफाइड इनटू अ मिनी बुलेट। एक काम करो, आप करो कुछ सिनेमैटिक्स और एंजॉय इस बाइक के। करेंगे बात भैया सर, पूछेंगे कितना बजट और कितना टाइम लगता है ऐसी बाइक मॉडिफिकेशन कराने में। हाँ जी, तो कैसी लगी बाइक? आई होप यार आपको बाइक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर दो, सब्सक्राइब तो यार कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो वीडियो को यहीं से स्किप कर दो, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देखो। तो अगर हम बाइक को आगे से कवर करें तो इसमें डाला हुआ है आगे और पीछे दोनों सेम एमएम का टायर, 100 mm का टायर इसमें डाला हुआ है। और ग्रिपिंग देख लो यार कितनी बढ़िया इस पर ग्रिपिंग है। अगर हम और थोड़ा ऊपर आएँ, ऊपर जाने से पहले भाई इस बाइक में डिटेलिंग वर्क बहुत हुआ है, जैसे कि आप ये सेम कलर देख सकते हो, ये सेम कलर टैंक में भी है, हैंडल पर भी है। तो यार आगे जो हेडलाइट है वो चेंज हुई है, थार वाली लाइट बोलते हैं इसको, देसी में बोलते हैं कि भाई थार वाले हेडलाइट लगा के घूम रहा है। तो यहाँ पे ये DRL है और रात में भाई बहुत बढ़िया लुक आता है इस हेडलाइट का। तो ये डोम पूरा अलग से बना के कस्टमाइज डोम लगा हुआ है और ये पत्ती से यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है। बाकी इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, मैंने बोला भैया कि यार ये बाइक स्टार्ट कहाँ से होती है, तो भैया ने दिखाया कि भाई ये हेडलाइट में यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, तो यहाँ से ये बाइक स्टार्ट होती है। ये देखो ये छोटी सी चाबी, और ये देखो मैंने कहा कि ये है छोटी सी चाबी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से ये स्टार्ट हो गई। मतलब भाई बहुत बढ़िया बाइक बनाई, मतलब मिनिमल मॉडिफिकेशन विद मिनिमल बजट इसको बोल सकते हैं यार। थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पे ये एक छोटा सा मीटर है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है बाइक के साथ। भाई मेरी हाइट है 5.6, ठीक है, और ये बाइक मेरे पे भी छोटी लग रही है। तो भाई मतलब देख लो कितनी बढ़िया ये बाइक मॉडिफिकेशन कराई हुई है। अगर हम इसके टैंक की बात करें तो यार एक बार टैंक देखो, मतलब बाइक से मैच करता हुआ टैंक यहाँ पे बनाया गया, क्योंकि थोड़ा सा मिनी बुलेट और कैफे रेसर वाला लुक देना था। तो यहाँ से ये पूरा, ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ये पूरा फ्रेम चॉप्ड है, क्योंकि यार स्प्लेंडर हो, पैशन हो, मतलब ये जो नॉर्मल सेगमेंट की बाइक्स आती है ना ये ऐसी नहीं आती, ये हम सबको पता है। बाकी यार कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, ब्लैक और ये वाला जो ब्लू कलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है होंडा। अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो थोड़ा सा कैफे रेसर टाइप इसमें हैंडल बनाया गया है। अगर हम पीछे से बाइक को कवर करें तो पीछे से बाइक को रखा हुआ है बिल्कुल नेकेड, मतलब सिर्फ ये टायर लगा हुआ है पीछे, ये जो स्पोक व्हील्स है इसके एडजस्टमेंट में एक कलर लगा हुआ है। और यार एक और चीज़ देखो, मतलब पूरी बाइक से मैच करते हो तो शॉकर पे भी सेम कलर लगाया गया है। भाई एक नंबर इस बाइक का लुक आएगा जब मैं इसको रोड पर लेके जाऊँगा। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट है, मजाक नहीं कर रहा, 1 किलोमीटर पहले से पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई बढ़िया बुलेट या फिर मॉडिफाइड बाइक आ रही है। मुझे नहीं पता है कौन सा एग्जॉस्ट है, कस्टम एग्जॉस्ट है। बाकी यार ये बताने से पहले कि कितना टाइम और कितना बजट लगता है ऐसी बाइक मॉडिफिकेशन में, मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि आगे का मडगार्ड, ये चॉप मडगार्ड यहाँ पे लगाया गया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे हैं तो यहाँ पे नंबर प्लेट देख लो यार, आज तक आपने बॉबर में देखा होगा कि साइड में लोग नंबर प्लेट लगाते हैं, बट यहाँ पे साइड में नंबर प्लेट लगाई है। और एयर फिल्टर की अगर मैं बात करूँ, इस बाइक में सब कुछ नेकेड रखा गया है। चाहते तो हम यहाँ से एडजस्टमेंट लगा सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, बट यार जो चीज़ है उसको क्यों चेंज करना। इंजन आपका रिफाइंड लगना चाहिए, आपकी बाइक रिफाइंड लगनी चाहिए, और भाई जब रोड से निकले ना तो मज़ा आ जाना चाहिए। तो भैया से बात करते हैं और पूछते हैं कितना टाइम और कितना बजट लगता है ऐसी बाइक मॉडिफिकेशन कराने में। तो भैया क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया यार, बढ़िया भैया। ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी आपके साथ। शोर। तो एक चीज़ बताओ यार, सबसे पहले दिमाग में जो किसी के भी दिमाग में आएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आप ये पैशन हो गई या फिर आपकी जो भी ये बजट मोटिवेशन होती है, ये कैसे आपने सोचा कि यार आपको कुछ ऐसा मिनी बुलेट या फिर अ काइंड ऑफ कैफे रेसर लुक देना है, ये क्या क्या था आपके दिमाग में ऐसा? इट्स जस्ट अ नॉर्मल आइडिया। अच्छा, कि मतलब 100 cc बाइक पे वैसे एक मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग हैवी टायर्स, तो उससे इंजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सम हाउ देयर वाज अ कस्टमर, उसको चाहिए थी ये बाइक, की उसको बहुत पुरानी बाइक है और उसे एक मेमोरी मेमोरी काइंड ऑफ स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसे कुछ कुछ कैफे रेट्रो लाइक टाइप से कुछ करके दे। तो वी केम अप अ आइडिया कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट वी कैन गिव अ डिटेलिंग पार्ट, ठीक है। तो सब कुछ इसमें सेम है, आप देख सकते हैं, मतलब टायर्स इजी हैं, ठीक है, सब कुछ स्टॉक पार्ट है, ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बट हमने जो किया है इसमें पीछे से जो चेसी है वो चॉप करके दोबारा यू शेप, ये चेसी आपने पूरी चॉप करी है? हाँ। अच्छा, द रेयर पार्ट वी चॉप्ड इट। अच्छा, एंड उसके बाद हमने उसको यू शेप दिया है फिनिशिंग के लिए।
मतलब छोटी बना दी है, छोटी और फिनिशिंग के लिए जो पीछे कैफेरेशन में एक सिंगल सीटर के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। एंड आफ्टर द मतलब फ्यूल टैंक फैब्रिकेटेड है, ठीक है, टू गिव अ कैफेरेशन लुक, लीन होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हैंडल हैंडल ज्यादा बैंड नहीं है, इट्स गिविंग अ कंफर्ट जोन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइडर टेस्ट, क्योंकि सीट भी थोड़ी पीछे है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि दर्द ना हो आता। बस ये बस इसमें जो डिटेलिंग कलर है, कलर थोड़ा कॉम्बिनेशन इसका यूनिक है, मतलब ब्लू में थोड़ा व्हाइट मिक्स है, इट्स गिव अ यूनिक वे। और जो आप इसके कलर पैटर्न देख रहे हो, आप हब में देख रहे हो, रे वाले हब में देख रहे हो और फ्यूल टैंक में देख रहे हो, ज्यादा मैच कराने के लिए ये सारा डिटेलिंग पार्ट है। अब ब्लैक के साथ तो ये और ज्यादा निखर के आ रहा है, डेफिनेटली लाइट कलर है, कस्टमर की डिमांड भी यही थी। तो भैया एक चीज बताओ, कितना टाइम आपको लग गया ऐसी बाइक मॉडिफिकेशन कराने में? It took 25 days. बस? हाँ जी। 25 दिन में बाइक बना दी? बस बस बस, ज़्यादा आप देख सकते हो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं हुआ। We gave 100% to show, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने डिटेलिंग पार्ट ज्यादा की हुई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि वो जो ज्यादा निखर के है, ठीक है, इसलिए 25 days में कम्प्लीट हो गई है। तो मेन जो सबके दिमाग में आता है कि भैया इसका बजट कितना है, अगर कोई बंदा 50,000 लेके आता है या 40,000 लेके आता है, मतलब इसका बजट प्रॉपर कितना है, या फिर बाइक मॉडिफिकेशन कितने से स्टार्ट कर देते हो आप, कितने तक जाती है, कौन कौन सी बाइक्स आप मॉडिफाई करते हो, थोड़ा कुछ बताना चाहो। देखो बजट इज नॉट अ बिग इशू, पहले तो कस्टमाइजेशन जो कराने आ रहा है, बंदे का टेस्ट होना चाहिए, इस बजट शुड बी अराउंड 40+ होना चाहिए। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट स्प्लेंडर में 40,000 रुपए कौन लगाएगा? सही बात है, बट टू गिव अ बेस्ट शॉट वो 40,000 है। वैसे भी शौक की कीमत नहीं होती, शौक की कीमत नहीं होती है, पर हाँ ये आप कह सकते हो शौक की कीमत नहीं होनी चाहिए, होती है। बट द थिंग इज दैट कि अगर एक आपको रीजनेबल और आई कैचिंग चीज चाहिए, ठीक है, कि हाँ लगे कि इसे आइडेंटिफाई करने में भी लगे कि ये स्प्लेंडर है, कि आपने इसे इतना अच्छा मेकओवर या कस्टमाइज किया है, तो बजट शुड बी 40-45 शुड बी देयर। तो मतलब 45 से 50,000 के बीच में इसमें लग गया। डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग इज न्यू, मतलब आप इसमें वो तो देख के चमक रही है, बताने की जरूरत नहीं है, खाली आप इंजन को छोड़ के छोड़ दीजिए, फ्यूल टैंक, योर हेडलाइट, योर हैंडल्स, योर टायर्स, योर रिम्स, आप रिम्स में देख सकते हो इतनी डिटेलिंग, ये स्पोक्स नए के साथ होके ये निकल हुए हैं। अच्छा, ठीक है, इट्स गिविंग अ वाइट गोल्ड कलर, ठीक है, यू नट्स बोल्ट्स, आपकी चाबी की अलाइनमेंट, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो डिटेलिंग दे रही है। बट भाई मेरे को तो बाइक देख के मजा आ गया, बाकी यार आगे भी ना काफी बढ़िया बढ़िया, अभी मोजो पे भी काम चल रहा है। श्योर, मोजो पे काम चल रहा है, वी आर गिविंग अ बेस्ट शॉट इन एयर ब्रशिंग ऑल्सो। ओके, एयर ब्रशिंग भी आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, वी अभी ट्राई कलर फ्यूल टैंक आपने देखी होगी, ऑलमोस्ट डन है, तो तीन चार कलर है फ्यूल टैंक में भाई, मतलब एक से एक प्रोजेक्ट आने वाले हैं। बाकी यार अगर आपको भाई का काम अच्छा लगा, ये बाइक मतलब बहुत यूनिक बाइक है यार, एक हैवी टास्क अगर भैया को देखो तो यार भैया को भी मजा आएगा। बाकी यार अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अब आप इसके देखो बढ़िया राइडिंग शॉट्स, क्योंकि जब ये चल रही थी तो भाई एक तहलका मच रहा था। उससे पहले काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं कि भाई आप एग्जॉस्ट की साउंड नहीं सुनवाते, तो भाई अभी इसको ब्लो अप करते हो, फिर आप देखो कितनी बढ़िया और कितनी मेसमराइजिंग इसकी आवाज़ है। I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car till you tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only